पर मैंने प्रयास किया था छोटा सा और कुछ डॉक्टर मित्रों ने भी सहमति दी, तो आज हमारा एक प्रयास मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक सफल रहा। अब तक लगभग जैसे कि आप जान रहे हैं 300 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और हमारे पास यहाँ प्रदेश के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर HD जोशी और गायनी जो है अंजलि नौटियाल और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS रावत और उसके साथ ही ENT के स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर चौहान यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे ये था कि दूरस्थ क्षेत्र में सबसे जो बड़ी समस्या है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की है, तो मेरे मन में ऐसी विचार आया कि यार क्यों न पिताजी की पुण्यतिथि को ऐसा काम किया जाए जिससे कि मतलब स्थानीय लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी हमारी बात हुई थी, उन सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जैसे कि आप देख ही रहे दवाइयाँ हमें फ्री बट रही लोगों की, तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि प्रयास हमारा सफल रहा है और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और ग्रामीणों ने देखा आपने कि डॉक्टरों का स्वागत ढोल बाजे के साथ परंपरागत तरीके से यहाँ किया, तो गांव के लोगों में एक उत्साह था। तो यही मेरा कहना है कि जो हमारा एक प्रयास सफल रहा। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और चूंकि घेस जो है बहुत सीमांत क्षेत्र का गांव है और काफ़ी समय से यहाँ बात चल रही थी कि एक कैंप कराने के लिए, तो फिर डॉक्टर्स की टीम को रेडी करके हम लोग यहाँ लेकर के आए। तो अभी तक आपके यहाँ के 200-250 लोग अभी तक इसका लाभ उठा चुके हैं और करीब 20-25 लोगों के ECG भी हो चुके हैं जो निःशुल्क हुए हैं। ब्लड शुगर जांच करीब 70-80 लोगों की हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि इस दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को जितना ज़्यादा लाभ मिले डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, तो वो उतना ही फायदेमंद होगा।